नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग तीसरा। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, हर वीडियो में 25-25 प्रश्न लिए गए हैं, तो इस वीडियो में 51 से 75 तक प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अर्धवाचालक कहते हैं, अर्धवाचालक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों तीव्रता को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है हाईग्रोमीटर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली स्लाइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? या गाड़ियों में जो गाड़ियां लगी रहती हैं उनको पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तड़त चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़त चालक का आविष्कार किसने किया था? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह आभासी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर दोस्तों यह अधिक अधिक से अधिक हो सकता है, यानी कि उच्च हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ क्या बढ़ने की लिए मिलाई जाती हैं? तो इसका आंसर है विद्युत चालकता बढ़ने के लिए मिलाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पेरीस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाल रंग का अधिकतम क्या है? लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? तो इसका आंसर यह है तरंग दैर्ध्य अधिक होती है लाल रंग की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है यह सिरके के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किसमें मापी जाती है? इसका आंसर है सेटरो वो स्कोप में मापी जाती है, सेटरो वो स्कोप में मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर है यह संवाहन विधि द्वारा होता है, संवाहन विधि द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किसके प्रकार के किरण पुंज है? इसका आंसर है समांतर प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण अवधारणा का की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है सोनार कहलाती है, क्या? सोनार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो इसका आंसर यह है दूरी का मात्रक होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके बल के कारण अलग हो जाती है? तो ये दोस्तों अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लेबन करते आइसा वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो यह 1/10 भाग रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण के आधार सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? यह दोस्तों वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो इसका आंसर है फोटोन प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर यह है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण होता है, क्या प्रकीर्णन का लाल रंग दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवाहन कहलाता है? तो इसका आंसर है अविंक संगठन के कहलाता है, अनविंक संगठन। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।